तो विदेश मंत्री ते भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने वीरवार नूं कहा कि फरवरी विच पुलवामा अतवादी हमले दे जवाब विच भारतीय हवाई फौज वालों किए गए हवाई हमले च किसी भी पाकिस्तानी फौजी जां नागरिक दी मौत नहीं हुई। महिला पार्टी वर्करां नूं संबोधित करते हुए उन्होंने 2014 दी तरह पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ते जोर दिता ते कहा कि साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जो चाहते सन वह नहीं कर सके क्योंकि गठजोड़ सरकार की अगवाई कर रहे सन। दस दईए कि भारतीय हवाई फौज ने 26 फरवरी नूं पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में जैश ए मुहम्मद एक अतवादी सिखलाई कैंप निशाना बनाया सी। सुषमा स्वराज ने कहा कि आत्मरक्षा हवाई हमले नूं अंजाम दिता गया सी। उन्होंने कहा पुलवामा हमले तो बाद जदों असी सरहद पार हवाई हमला किया तो असी अंतरराष्ट्रीय भाईचारे नूं दस्सिया कि असी सिर्फ आत्मरक्षा विच अजिहा कदम चुकिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताइए लोगों को कि सन 2008 में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था हिंदुस्तान में, मुंबई टेरर अटैक, जब मुंबई के होटल पे हमला हुआ 26/11। आपको मालूम है उसमें 166 लोग मरे थे, 166, और उसमें से 126 भारतीय थे और 40 लोग 14 देशों के थे। वो एक मौका था कि वो आतंकी अटैक केवल घरेलू नहीं था, उसका स्वरूप अंतरराष्ट्रीय बन गया क्योंकि वो होटल पर हुआ था, होटल में वो लोग ठहरे हुए थे। वो एक मौका था, वो एक अवसर था जब भारत की सरकार उन 14 देशों का साथ लेकर पाकिस्तान को पूरी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में अलग थलग कर सके कि देखिए इतना बड़ा अटैक हुआ है जिसका इंटरनेशनल स्वरूप है, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है। लेकिन उस सरकार ने वो मौका गवा दिया। पर इसके विपरीत आज मोदी जी के नेतृत्व में जब वो प्रधानमंत्री है, जब उरी का हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, जब पुलवामा में हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। पर उसके साथ साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया। कैसे? हर जगह हम लोगों ने जब ये बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक आत्मरक्षा में की गई थी, हमने उन्हें बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक बहुत जिम्मेदाराना थी। हमने कहा कि हमने सेना को खुला हाथ दिया था लेकिन दो निर्देश भी दिए थे, पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तानी सेना को खरोंच नहीं आनी चाहिए। आपका टारगेट वो आतंकी है, वो जैश ए मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा में 40 लोगों का शहादत हमने की है, जिसकी जिम्मेदारी 40 लोगों को मारने की जिम्मेदारी जिस जैश ए मोहम्मद ने ली है, सीधे जाओ उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। सेना ने इतनी जिम्मेदारी से काम किया कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत नहीं हुआ। जब ये नैरेटिव, जब ये कथन हमने इंटरनेशनल उस पर दिया तो एक एक व्यक्ति ने कहा हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हैं।